अभी हम हैं पप्पू एंड पप्पू रिजॉर्ट में। क्या डोडी में बहुत भीड़ थी, हमने सोचा इधर आ जाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं आज इंदौर। और ये हम आ गए हैं छप्पन भोग। जो मेरा काम था इंदौर में वो तो पूरा हो गया है, और अब काम नहीं है तो कुछ खाने पीना है छप्पन भोग इंदौर की फेमस प्लेस पे। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे खोपरा पेटीज खाई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, तो आज शुरुआत उसी से करते हैं। तो अब बताते हैं कैसी है खोपरा पेटीज। का बाल थोड़ा सही नहीं है, सनलाइट में अच्छा आ रहा है विदाउट सनलाइट। चलो अब दिखाते हैं हम खोपरा पेड़ी। ये बन रही है खोपरा पेड़ी। ये शॉप है विजयनगर, विजय चाट हाउस। यह चार खोपरा पेड़ी कर देना, चार खोपरा पेड़ी नहीं, अभी ध्यान दे दिया, अभी एक और आ रही होगी। डैडीज फ्राइड पोटैटो। वैसे पता नहीं चलता है स्ट्रीट फूड में आने के बाद आप मास्क लगाने का क्या मतलब है, क्योंकि आओगे खाओगे तो मास्क तो हटाना ही पड़ता है। पता नहीं, बाकी ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे भोपाल ही मिलने लगा है आजकल। बाकी तो टेस्ट तो बढ़िया है। और अभी खोपरा पेटीज खा के बताते कैसी है। यार खोपरा पेटीज तो खाते साथ ही ख़त्म हो गई, बाकी टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। और स्टफिंग वगैरह, मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेनली तो खोपरा पेटी से पहले लेते हैं, बाकी पेट में फिर जगह बची तो फिर और कुछ खाएंगे अपन। और अब हम आ गए हैं जॉनी हॉट डॉग। और अब छप्पन भोग की सारी चीज़ तो खा नहीं सकते, तो जो फेमस है ऑलरेडी वही खा के जाते हैं छप्पन भोग में, और पता करते हैं छप्पन भोग की चीज़ कितनी फेमस और कितनी। भैया जॉनी हॉट डॉग के यहाँ तीन चार चीज़ें मिलती हैं, वेज हॉट डॉग, मटन हॉट डॉग और एग बैंड रोल। और ये कुछ वेज रोल और नॉन वेज रोल्स हैं, बाकी अपन तो लेते हैं। भैया क्या फेमस है, वेज हॉट डॉग ना, वेज हॉट डॉग फेमस है ना आपके यहाँ का, ग्राहक ये सब फेमस है यहाँ पे। तो चलो फेमस तो सब तो नहीं खा सकते, एक दो चीज़ लेते हैं अपन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ मिलता है, एक ये इसमें से एग बैंड जो है और एक वेज बैंड जो है, और अब इसको खा के देखते हैं। और ये फ़िलहाल आया है एग बैंड जो, और एक दूसरा है हमारे पास वेज बैंड जो। और वैसे इसका नाम हॉट डॉग रखा है, बाकी है तो बर्गर। बाकी ये जगह बहुत फेमस है, कुछ एक मेरे फ्रेंड ने व्लॉग डाला था, उसने उसको बताया था कि इस जगह में कुछ एशिया के सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं पूरे एशिया में, जोमेटो या उबर ईट्स में सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो प्लेस हुए हैं ये यहाँ से हुआ है, जॉनी हॉट डॉग। और इसका कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या कुछ रिकॉर्ड है, वो क्लियर कर देंगे आपको लास्ट में, बाकी तब तक खाओ। और देख सकते हैं कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बढ़िया आ रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं। अब भाई खाएंगे तो फिर तो मास्क हटेगा ही।
और अब तो 10 बजे से सुबह की 6 बजे कुछ लॉकडाउन कर दिया है, और कुछ 10 बजे से 6 बजे तक के सुबह लॉकडाउन कर दिया भोपाल और इंदौर में फिर से कर्फ्यू। और अब खाना पीना खाने के बाद पान तो बनता है, अरे वाह, पान की शॉप तो काफ़ी रॉयल सी है। सिंपल पान चाहिए। ओ आ गए हैं बियर शॉप। क्या नाम है बियर शॉप का? मिलाप द पान। कौन कौन से पान मिलता है आपके? चॉकलेट पान है, स्पेशल पान है, लाइट स्वीट पान है, फ्रोजन पान है, अच्छा फायर पान है, आइस पान है, फ्लेवर्ड पान है। अरे बहुत सारे पान है यहीं पे, बहुत सारे रखे हैं। अब फायर पान और आइस पान तो नहीं खाना अभी, अभी हम ले रहे हैं चॉकलेट पान। एक चॉकलेट पान लेते हैं और एक स्पेशल पान, स्पेशल पान। और यहाँ पे बहुत महंगे महंगे पान भी है, और 83 है, 120 है। अच्छा ये पान नहीं है, सॉरी ये पान नहीं है, पान में ही आता है, पान में ही आता है, बट ये इस टाइप की डब्बी आती है। अच्छा इस टाइप की डब्बी है ये, अच्छा ओके काफ़ी अच्छा बढ़िया चीज़ है। अच्छा तो सर पान के अंदर जो फीलिंग रहती है वो भरा ना। आ गया है चॉकलेट पान और ये है केसर लीची पान। अरे वाह पान में आपको वेराइटी देखना तो शाम को देखना। अरे शाम को आना पड़ेगा, अब पता नहीं शाम को अब यहाँ रुकेंगे कि नहीं। ये पान बनना है यहीं पर है? नहीं यहीं पर बनता है, यहीं से बना है पान। केसर लीची पान अच्छा है, चॉकलेट पान खा के देखते हैं यार। अंदर तो ठीक है, सिंपल पानी अच्छा होता है, मेरे को कहीं भी खाओ सिंपल पानी खाना, ये सब पान खाने कुछ नहीं होता, पान अच्छी होता है सिंपल वाला मीठा पान, ये बनारसी पान। और ये अब हम आ गए हैं कृष्णा ढाबा। तो फिलहाल हम आ गए हैं कृष्णा ढाबा, ये इंदौर भोपाल हाईवे से सीहोर साइड में पड़ता है, और ये काफ़ी फेमस ढाबा है यहाँ का। देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर, और मतलब यहाँ के फेमस तो दाल वाफले, बाकी कश्मीरी राइस। और ये जगह हमारे साथ भाई ने बताई थी हमें, और तब से हम आते रहते हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं काफ़ी भीड़, अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें। ये आ गया हमारा दाल वाफले, पनीर टिक्का मसाला, गार्लिक ना लग रहा है। और ये आ गया हमारा सेव टमाटर। तो भाई यहाँ का खाना एक नंबर है, फेमस है, खाने का मजे लेने का मज़ा आ जाएगा। अभी बज रहे हैं 8:00, मतलब 9 बजने वाले 2 मिनट में। हाँ और देखो यार खाना खाते पीते वक्त ध्यान नहीं रहता कि व्लॉग करने का, तो जो खाना पीना था वो तो बहुत ही शानदार है। बाकी अभी ये जगह कुछ रेनोवेट होने वाली है, यहाँ से ब्रिज जाने वाला है, तो शायद 1-2 साल में ये डबल हो जाएगा। और खाना पीना बहुत शानदार है, और जितनी भी हमने चीज़ें सब खाई थी वो तो अंडर 500 की आ जाती है आराम से। अब घर जाने का वक्त हो गया है, रात के कितने बज रहे हैं, 9:30 हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अरे व्लॉग
ब्लॉग खत्म नहीं हुई, पान बचा था खाने के लिए। और ये रहा कृष्णा पान पैलेस और कृष्णा ढाबा, उसने पैक करके दिया है छोटी सी उसमें, और ये पैक है और ये अनपैक हो चुका है। अब खा के बता दे हाँ कैसा है। और जो पान था इधर का ज़्यादा अच्छा था छप्पन भोग वाले से, इससे बार चलता भाई पान खाओ तो सिंपल ही खाओ, बनना मत खाओ। और 60 रुपीज़ का था इधर का, 15 रुपीज़ का एक था, और जो कि टेस्ट में ज़्यादा अच्छा था। और आए तो यहीं खाएँ, अपन गाड़ी बैक कर रहे थे, कैमरे की तरफ नहीं देख पा रहे हैं, और अब चलते हैं घर की ओर।